Morning to all of you. In the previous video, I have finished this chapter with a lot of topic deficiency disease. Now I am going to tell you questions and answer of this question. You have to write in your fair notebook. Our first question is, name the major nutrients in our food. Nutrients बताया था कौन-कौन से होते हैं? Carbohydrates, proteins, vitamins, fats, dietary fiber, water also ये हमारे क्या होते हैं? ये nutrients होते हैं. तो वही दिखा carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Dietary fibers and water also ये भी हमारे क्या होते हैं nutrients होते हैं mainly हमारे पास ये होते हैं जो ये होते हैं ये हमारे fresh fruits vegetables में present होते हैं name the following the nutrients which mainly give energy to our food बताया था हमें कौन सा energy provide कराता है तो carbohydrate और fat ये हमें body में क्या देते हैं ये हमें energy provide कराते हैं the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body ग्रोथ और मेंटेनेंस हमें कौन देता है प्रोटीन्स और मिनरल्स इनसे क्या होती है ग्रोथ होती है अगर हम प्रोटीन लेते रहते हैं तो हमारी ग्रोथ रेगुलर होती रहती है रुकावट नहीं आती है उसके बाद लिखा विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट कह रहा है कि जो कौन किस विटामिन की वजह से आईसाइट अच्छी होती है यानी कि हमें दिखाई अच्छा दिखाई देता है तो विटामिन ए क्योंकि विटामिन ए की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी कि कम दिखाई देता है तो विटामिन ए minerals that is required for keeping our bones healthy क्या कौन सा mineral है जिससे हमारी जो bones है वो healthy रहे that is calcium क्योंकि calcium क्या करता है हमारी bones को strong बनाता है इसलिए इसका answer क्या है calcium name the two food each rich in क्या है कम से कम two food लिखने हैं जिसमें वो rich हो पहला बताया starch starch rich food का नाम लिखना है लिखा butter groundnut rice और potato ये कैसे होते हैं ये starch rich होते हैं इनमें starch ज्यादा पाया जाता है डाइट्री फाइबर क्या होते हैं ये फ्रेश फूड्स और होल ग्रेन जो भी दाने होते हैं वो सब इन क्या होता है डाइट्री फाइबर्स होता है डाइट्री फाइबर क्या होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन फूड को डाइजेस्ट कर देता है यानी कि फूड में मिलके क्या कर देता है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन में लिखा तो पल्सेस और फिश में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है प्रोटीन टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट करा ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से क्या करना है टिक करना है तो उसको पढ़ना है और समझना है फिर उसके बाद टिक करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है By eating rice, कह रहा है हम केवल राइस को खाएं, चावल को खाएं, alone we can fulfill nutritional requirement of our body. कह रहा केवल चावल खाने के सारे nutritional जो भी nutrients हैं ये सारे nutrients हैं क्या fulfill हो जाते हैं पूरे हो जाते हैं तो ये statement बिल्कुल भी सही नहीं है केवल चावल खाने से पूरे nutrients हमारी body को नहीं मिलते हैं इसीलिए इसका कि tick नहीं किया गया है इसका मतलब ये false है ये सही नहीं है उसके बाद देखा deficiency disease diseases can be prevented by eating a variety of food items करा जो deficiency है diseases है वो अगर हम different type के food खाएं तो deficiency diseases है उसको रोका जा सकता है तो बिल्कुल रोका जा सकता है कि अगर different type के हम food खाएंगे तो उसमें सभी types के nutrients मिलेंगे और deficiency disease नहीं होगी इसलिए correct है balanced diet for the body should contain a variety of food items जो balanced diet होती है उसमें एक फूड की कई सारी वैरायटी होती है कि एक ही फूड मिलता है तो ऑब्वियस बात है कि बैलेंस डाइट होगा तो उसमें सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे तो इसका मतलब है उसमें वैरायटी ऑफ फूड होगा तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी बिल्कुल सही बात है कि जो मीट है वो सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं देते है इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही है सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को सारे टाइप्स के वैरायटी ऑफ फूड लेने पड़ते हैं केवल एक फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है कह रहा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से कौन सा डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है इसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी causes or disease are known as beriberi इसमें ये खाली स्थान था पूछा गया beriberi किसके वजह से होता है तो यहाँ पे आ रहे हैं विटामिन बी deficiency of vitamin C कह रहा विटामिन सी की वजह से कौन सी डिसीज आती है तो स्कर्वी यहाँ भर दिए गए स्कर्वी night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our body तो night blindness किसके वजह से होता है विटामिन ए की वजह से होता है तो ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर थे इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं थैंक यू